आज हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे इनफाइनाइट ग्रीड का। जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, इनफिनिटी तक फैला हुआ ग्रीड, किसका बना हुआ ग्रीड? रेसिस्टेंस, रेसिस्टर्स का बना हुआ ग्रीड, कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस तरह के रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखते हैं विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हेक्सागन बना हुआ है, इन्फिनिटी तक रेसिस्टर्स का बना हुआ है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम बेसिकली सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सुपर पोजिशन का मतलब कि अगर हम ए पॉइंट से इन कराएं तो क्या इफेक्ट होगा, एंड बी पॉइंट से अगर सेम करंट को एग्जिट कराएं तो किस तरह का इफेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए दो फिगर ले लेंगे, यहाँ हम बी को भूल जाएंगे, बी को हम भूल गए, है ना। अब यहाँ पे मैंने एक करंट इन करा दिया, अब हम यहाँ से करंट आई इन करा रहे हैं। ओके, तो आई करंट इन कराएंगे तो वो बी से एग्जिट होगा। ओके, तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं यहाँ आई करंट इन क्यों करा रही हूँ ए पॉइंट, सिंस आर इक्विवेलेंट इज वी डिवाइडेड बाय आई, ये होता है। तो अगर मैंने इस ए बी जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है तो कुछ आई करंट इन कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस रिलेशन को यूज करके यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है, दैट्स वाई हम यहाँ पे आई करंट इन करा के आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या, अब ये इन्फिनिटी है तो यहाँ पे ये पॉइंट एंड ये एंड ये, यहाँ पे मैं इसको नेम दे देती हूँ पी क्यू एंड आर, ये तीनों पॉइंट इक्विडिस्टेंस है एंड एक सिमिलर है तीनों पॉइंट। तो अगर इससे आई बाई थ्री जा रहा है ना, तो इससे भी आई बाई थ्री जाएगा और इससे भी आई बाई थ्री जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये आई बाई थ्री जो करंट जा रहा है वो बी से किस तरह से निकलेगा, है ना। तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा डायग्राम लिया, ये वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं B से सेम करंट को एग्जिट कर रहा हूँ, आई करंट यहाँ से मैं मान लूँ कि एग्जिट कर रहा है, तो ये जो A पॉइंट है एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं X बोल देती हूँ एंड इस पॉइंट को मैं Y बोल देती हूँ। तो B पॉइंट पे A पॉइंट से कितना करंट आ रहा होगा, आई बाई थ्री, बी पॉइंट से X पॉइंट से अगेन आई बाई थ्री, अगेन आई बाई थ्री, क्योंकि तीनों पॉइंट कौन से, तीन पॉइंट A, X, Y, तीनों पॉइंट सिमिलर है बी के कंपैरिजन में। ओके, तो तीनों से आई बाई थ्री करंट कलेक्ट हो गए, बी से कितना करंट निकलेगा, आई। ओके, अब ये जो दो डायग्राम हुआ उन दोनों को मैंने कर दिया क्लब, कर सकते हैं सुपर पोजिशन, कर सकते हैं इन आई करंट इंटर करा रहे हैं, आई करंट एग्जिट करा रहे हैं, अब मैंने दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया। तो होगा क्या, मैंने मान लिया कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस क्या है, थ्री ओम दे रखा है, हर एक साइड का रेसिस्टेंस थ्री ओम दे रखा है। तो यहाँ पे सुपर इम्पोज अगर मैं कराऊं, तो ये जो ए बी है, ए बी से इधर से कितना करंट आ रहा है, आई बाई थ्री, एंड इधर से कितना करंट आ रहा है, अगेन आई बाई थ्री, तो आई बाई थ्री प्लस आई बाई थ्री कितना हो जाएगा, आई बाई थ्री प्लस आई बाई थ्री कितना हो जाएगा, टू आई बाई थ्री, ये हो जाएगा। ये कौन सा साइड है, ए बी। अब बाकी के साइड से कितना करंट जा रहा है, बाकी के साइड से बचा हुआ करंट कितना जा रहा है, आई बाई थ्री, यानी कि ये जो बचा हुआ सर्किट है उससे कितना करंट आ रहा है, आई बाई थ्री, तभी तो टोटल करंट आई एग्जिट होगा। यहाँ ए बी से कितना करंट आया, आई बाई थ्री, एंड दोनों को सुपर इम्पोज करा, तो ए बी जो हमारा साइड है उसके थ्रू में कितना करंट मिल गया, आई बाई थ्री प्लस आई बाई थ्री, तो कितना हो गया, टू आई बाई थ्री। टू आई बाई थ्री अगर ए बी साइड से आ रहा है तो बचा हुआ करंट कितना आ रहा है, बचे हुए सर्किट से आई बाई थ्री। ओके, तो अब मैं यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊं, आर इंटू टू आई बाई थ्री इक्वल्स टू, ये बचा हुआ सर्किट का सपोज मैंने आर डैश बोल दिया, आर डैश इंटू आई बाई थ्री। ओके, तो यहाँ आई से आई चला गया तो बचे हुए सर्किट का रेसिस्टेंस हमें कितना मिल गया, टू आर, टू आर, एंड आर क्या है, पैलर में, तो हम क्या लिखेंगे, टू आर इन टू आर डिवाइडेड बाई टू आर प्लस आर, यानी थ्री आर, तो क्या हो जाएगा, टू आर बाई थ्री। वेरी सिंपल, ये जो इन्फिनिटी तक फैला हुआ हेक्सागन का बना हुआ, हेक्सागन शेप में बना हुआ रेसिस्टर्स है, उसका रेसिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आर बाई थ्री, सिंपल। नाउ अगेन
सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, ये भी इंफिनिटी तक फैला हुआ है, तो हम क्या करेंगे अगेन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जाएंगे, ए से करंट आई भेजेंगे एंड देखेंगे बी से किस तरह से निकल रहा है। तो ए से करंट हम सिमिलरली भेज देते हैं, इधर से आई करंट भेज दिया, इधर से इस साइड में कितना जाएगा, आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर, चारों साइड में आई बाई फोर कुछ इस तरह से जाएगा, आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर एंड ये आई बाई फोर। ओके, अब हम बी से देखते हैं कि किस तरह से करंट निकल रहा है। तो ये हमारा पॉइंट बी है, इससे मैंने करंट निकाला आई। ओके, तो अगेन यहां से आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर, चारों से आई बाई फोर निकल रहा है ना, क्योंकि चारों सिमेट्रिकल पॉइंट है। अगेन हम इसको सेम करेंगे, दोनों को क्लब कर देंगे। तो अगर हम दोनों को क्लब कर देंगे तो ए बी साइड के थ्रू कितना आ रहा है हमारा आई बाई टू, एंड बचे हुए सर्किट से कितना आ रहा है आई बाई टू, ए बी से भी आई बाई टू आ रहा है, बचे हुए सर्किट से भी कितना आ रहा है आई बाई टू, यानी कि ए बी का जितना रेसिस्टेंस है उतना ही रिमेनिंग सर्किट का रेसिस्टेंस है, दैट इज आर। आर एंड आर पैरेलल में है तो क्या रेसिस्टेंस हो जाएगा ए बी के बीच में, आर बाई टू, ऐसे आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, वेरी सिंपल। तो क्या आ जाएगा आर बाई टू, सिंपल। नाउ ये थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल फैला हुआ इंफिनिटी से एंड ट्रायंगल्स की साइड जो है वो आर रेसिस्टेंस से बने हुए हैं। ये क्या है, आर रेसिस्टेंस के रेसिस्टर से बने हुए हैं। ओके, तो अगेन मैं सुपर पोजिशन जाऊंगी, दोनों को सुपर इम्पोज करूंगी, यहाँ से इन कराऊंगी, यहाँ से एग्जिट कराऊंगी। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ढेर सारे पॉइंट्स है, एक दो तीन चार पाँच छः ये पॉइंट्स क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सबसे कितना जाएगा आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा आई बाई सिक्स। अब सिमिलरली यहाँ पे छः पॉइंट से क्या कितना करंट आएगा आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स एंड आई बाई सिक्स एंड आई बाई सिक्स, छः पॉइंट से आई बाई सिक्स आएगा। सिमिलर पॉइंट से चारों जो ये जो छः पॉइंट से एक दो तीन चार पाँच छः पॉइंट जो है वो सिमिलर पॉइंट्स हैं, तो सबसे सेम करंट रिसीव होगा बी पॉइंट पे, ऐसे बी पॉइंट पे सेम करंट रिसीव होके कितना करंट वापस से निकल रहा है आई, आई बाई सिक्स करंट छः पॉइंट से हमारा आ रहा है एंड यहाँ से एग्जिट कितना हो रहा है आई करंट। एंड सिमिलरली यहाँ के लिए यहाँ पे भी छः पॉइंट से इस तरह से आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स करंट क्या हो रहा है निकल के। ओके, अब यहाँ पे हम इन दोनों को जब क्लब करेंगे तो हमारा ए बी के थ्रू करंट कितना आ जाएगा टू आई बाई थ्री, यानी कि बचे हुए सर्किट से कितना हो जाएगा टू आई बाई थ्री नहीं टू आई बाई सिक्स हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आई बाई थ्री टू आई बाई सिक्स एंड बचा हुआ करंट किससे जाएगा इससे। ओके, तो अगर इसका रेसिस्टेंस आर है तो बचे हुए सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई टू, वेरी सिंपल। कैसे किया, पैरेलल में क्या हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो आई इंटू आर क्या होना चाहिए सेम, तो यहाँ पे आई इंटू आर क्या है आई आर बाई थ्री, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए आई आर बाई थ्री। तो क्या हो जाएगा इस रिमेनिंग सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई टू, आर बाई टू एंड आर को अगर हम पैरेलल में लगा दें तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई आर बाई टू प्लस आर कितना हो जाएगा दिस। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आर बाई, सिंपल। हमने तीनों ग्रेड के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग निकाल लिया है। अब हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे कि जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है। जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई माइनस टू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स इंटू द रेजिस्टर, किसका रेजिस्टेंस द साइड का रेजिस्टेंस, जो साइड जिसका रेजिस्टर बना वाला है। कि अगर मैं हेक्सागन लूँ तो हेक्सागन में कितने साइड है छः, तो यहाँ मैं अगर सिक्स डाल दूंगी तो सिक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स तो कितना हो जाएगा फोर बाई सिक्स आर। अगर मैं स्क्वायर लूँ तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर तो कितना हो जाएगा आर बाई टू, फोर टू बाई फोर कितना हो जाएगा आर बाई टू। अगर मैं ट्रायंगल लूँ
ट्रायंगल में कितने साइड है, थ्री, तो ये कितना हो जाएगा थ्री, एंड ये कितना हो जाएगा थ्री, तो ये क्या हो जाएगा आर बाई थ्री, आर बाई थ्री हो गया, या आर बाई टू आर बाई थ्री हो गया, या आर बाई टू हो गया. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला, दैट इज एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन इंटू आर. सिंपल. तो आई होप ये इनफाइनाइट ग्रीड का प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय फॉर नाउ.